हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन कैंडल। और आज का हमारा टॉपिक है सेंटर ऑफ प्रेशर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक सेंटर ऑफ प्रेशर। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सेंटर ऑफ प्रेशर होता क्या है। द सेंटर ऑफ प्रेशर इज़ द पॉइंट वेयर द टोटल सम ऑफ द प्रेशर फील्ड एक्ट ऑन द बॉडी। इट मीन्स एक बॉडी पर जिस भी पॉइंट पर टोटल प्रेशर हमारा एक्ट करता है, उस पूरी बॉडी का टोटल प्रेशर जिस पॉइंट पर एक्ट करता है, उसी पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर। और इस सेंटर ऑफ प्रेशर को हम एक्स स्टार या एच स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ बुक्स में आपको एक्स मिलेगा, कुछ में एच मिलेगा, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ये दोनों ही सेंटर ऑफ प्रेशर को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें हम एक प्लेन को लेकर तीन टाइप्स में, मतलब तीन पोजीशंस में रखेंगे और देखेंगे कि सेंटर ऑफ प्रेशर क्या आता है। सो द फर्स्ट इज़ हॉरिजॉन्टल, सेकंड इज़ वर्टिकल एंड थर्ड इज़ इंक्लाइन। सो सबसे पहले हम जिस पॉइंट के बारे में बात करेंगे वो होगा हॉरिजॉन्टल। इसमें हम अपने प्लेन को हॉरिजॉन्टल रखेंगे स्टैटिक वाटर में और उसे देखेंगे सेंटर ऑफ प्रेशर। सो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं हमने प्लेन को हॉरिजॉन्टल रखा है और इस प्लेन का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है यानी कि गुरुत्व केंद्र है वो जी है और उस जी की फ्री सरफेस से डिस्टेंस एक्स बार है। फ्री सरफेस वो होती है जो कांटेक्ट में होती है एटमॉस्फेयर के, तो उस फ्री सरफेस से इस जी की जो डिस्टेंस है वो क्या है, एक्स बार है। और इसको हम एक लैंग्वेज में लिखेंगे और जो जो हमने कंसीडर किया है उसे हम एक लैंग्वेज में लिखेंगे और वो लैंग्वेज ये होगी कि रो घनत्व के ए क्षेत्रफल वाले किसी समतल को स्टैटिक लिक्विड यानी कि स्थिर द्रव में डुबाने पर उसके गुरुत्व केंद्र जी से स्वतंत्र अवस्था की, मतलब स्वतंत्र सतह की जो गहराई है वो एक्स बार है। ये पहले हमें लैंग्वेज लिखनी होगी, उसके बाद हम डायग्राम बनाएंगे और फिर ये देखेंगे कि इसका फॉर्मूला ड्राइव कैसे करेंगे। सो फॉर्मूला ड्राइव के लिए सबसे पहले हम तीव्रता निकालेंगे। दाब की तीव्रता को हम स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। सो पी इट्स इक्वल टू रो जी एक्स बार। ये प्रेशर हेड से आया, प्रेशर हेड में एच हाइट को दिखाता है, क्योंकि हमने यहाँ हाइट एक्स बार ली है। सो पी इट्स इक्वल टू रो जी एक्स बार। अब हम यहाँ पे टोटल प्रेशर की बात करेंगे। ये हम अपनी पहली वीडियो में जान चुके हैं कि टोटल प्रेशर क्या होता है। इसे हम एफ से डिनोट करते हैं। सो एफ इट्स इक्वल टू दाब की तीव्रता इनटू क्षेत्रफल यानी कि एरिया। सो पी इनटू ए, पी की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, रो जी एक्स बार इनटू एरिया। तो एफ यहाँ से आ जाएगा रो जी ए एक्स बार। तो इसी को हम कहेंगे सेंटर ऑफ प्रेशर यानी कि एक्स स्टार। इसलिए हमने एक्स बार को ही एक्स स्टार कहा है क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल है प्लेन, यानी उस प्लेन के जिस भी पॉइंट पर हम जाएंगे उस प्लेन पे ही कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ प्रेशर भी होगा। और क्योंकि वो प्लेन हॉरिजॉन्टल है इसीलिए उसकी जितनी डिस्टेंस फ्री सरफेस से है उतनी ही डिस्टेंस हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स से भी होगी यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से भी होगी। सो इसीलिए यहाँ पर एक्स स्टार ही एक्स बार का काम करेगा। सेकेंड हम बात करेंगे वर्टिकल की। इसमें हमने जो हमारा प्लेन है उसे वर्टिकल रखा है और वर्टिकल प्लेन पे हम नहीं बता सकते कि उसका गुरुत्व केंद्र कहाँ है या सेंटर ऑफ प्रेशर कहाँ है। तो उसके लिए हमने इसका साइड व्यू देखा है। तो साइड व्यू में ये जो हम प्लेन ले रहे हैं वो किसी भी एक कॉन्स्टेंट शेप का नहीं है, यानी कि रेक्टेंगुलर या ट्राइंगल नहीं है, ये इसकी कोई भी शेप नहीं है। तो ऐसे जो भी हमारे प्लेन्स होते हैं, कोई भी बॉडीज़ होती है, तो उनका हमें अगर किसी पॉइंट पर सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना है तो उसके लिए हम उस पर एक स्ट्रिप कंसीडर कर लेते हैं और उस स्ट्रिप पर ही सब कुछ निकालते हैं और उसके बाद उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, जिससे कि उस जैसी बहुत सारी स्ट्रिप्स का हम जो वैल्यू है वो निकाल सकें और उन स्ट्रिप्स में ही कहीं ना कहीं हमें सेंटर ऑफ प्रेशर भी मिल जाएगा। तो हमने यहाँ भी यही किया है, एक स्ट्रिप मानी है जिसकी फ्री सरफेस से डिस्टेंस एक्स है और जी के नीचे कहीं हमने सी पॉइंट माना है, क्योंकि हमारा जो गुरुत्व केंद्र है उसके हमेशा नीचे रहता है सेंटर ऑफ प्रेशर। ये आपको लाइन याद रखनी है क्योंकि इस लाइन से आपको बहुत इजी हो जाएगा कोई भी फॉर्मूला निकालना। अगर जी से नीचे सी आ रहा है इट मीन्स आपने जो फॉर्मूला निकाला है वो ठीक है। अगर सी जी के कहीं ऊपर आ रहा है तो इट मीन्स आपने फॉर्मूले में कहीं गड़बड़ कर दिया, आप उसे एक और बार चेक कर सकते हैं। सो यहाँ हमने वही किया है और फिर इसके बाद आपको वही लैंग्वेज लिखनी है जो पहले बताई गई थी। रो घनत्व का पानी है, द्रव है जिसमें ए क्षेत्रफल का कोई भी समतल डुबाया गया है जो क्या है, वर्टिकली डुबाया गया है, जिसका जी सी स्वतंत्र सतह से जी की डिस्टेंस एक्स बार है। उसमें हमने एक स्मॉल स्ट्रिप ली है, उस स्मॉल स्ट्रिप की फ्री सरफेस से डिस्टेंस एक्स है,
सी की फ्री सरफेस से डिस्टेंस एक्स बार है, सॉरी एक्स स्टार है। सो ये सारी लैंग्वेज हमें सब में लिखनी होगी, मतलब तीनों पोजीशंस जो हम लेंगे आपको वही लैंग्वेज यूज़ करनी है। उसके बाद हम वही करेंगे, सबसे पहले दाब की तीव्रता निकालेंगे। दाब की तीव्रता पी इट्स इक्वल टू रो जी। अब क्योंकि हम स्मॉल स्ट्रिप की बात कर रहे हैं तो यहाँ एक्स बार नहीं आएगा, एक्स आएगा क्योंकि हम पतली पट्टी की तीव्रता निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर पी भी डी पी यूज़ होगा, सो डी पी इट्स इक्वल टू रो जी एक्स। इसके बाद हम टोटल प्रेशर निकालेंगे अगर उस पतली पट्टी पर, तो डी एफ होगा, डी एफ इट्स इक्वल टू डी पी इंटू डी ए। यहाँ डी इसलिए यूज़ किया जा रहा है क्योंकि हम स्मॉल स्ट्रिप की बात कर रहे हैं। डी पी के वैल्यू हम ऑलरेडी ऊपर निकाल चुके थे जो क्या है रो जी एक्स, सो डी एफ इट्स इक्वल टू रो जी एक्स और इंटू डी ए। यहाँ से हम डी एफ का इंटीग्रेशन कर लेंगे जिससे कि हमें उस पूरी स्ट्रिप पर कितना फोर्स है ये पता चल जाएगा। सो इंटीग्रेशन करने पर डी एफ एफ में चेंज हो जाएगा, इट्स इक्वल टू रो जी कॉन्स्टेंट है इसलिए वो बाहर आ जाएंगे और इंटीग्रेशन एक्स डी ए बदल जाएगा ए एक्स बार में। अब आप ये कहेंगे कि ये टर्म कहाँ से आया, तो डी ए का इंटीग्रेशन ए होगा और एक्स एक्स बार में ऐसे चेंज हुआ क्योंकि हम एक स्मॉल स्ट्रिप का ले रहे हैं, जो स्मॉल स्ट्रिप को कंसीडर किया है हमने और उसी पर सारी वैल्यूज जो भी मान रहे हैं फोर्स निकालना है उसी पर निकाल रहे हैं। अब अगर क्योंकि हम ये इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इट मीन्स हम उसे उसी जितनी वो स्ट्रिप है उसी की जैसी और स्ट्रिप्स का भी निकाल रहे हैं फोर्स। तो जब वो स्ट्रिप ऊपर थी तो उसकी डिस्टेंस थी एक्स, लेकिन अगर हम उस जैसी और स्ट्रिप्स का निकालेंगे वैल्यूज का फोर्स निकालेंगे तो वो जी तक आ जाएंगी, और अगर हम जी तक की स्ट्रिप्स का बात करें तो वो उनकी वैल्यू क्या है एक्स बार है, उनकी वैल्यू एक्स नहीं है। उस जैसी कई स्ट्रिप्स का हम निकाल रहे हैं यहाँ पर फोर्स। आई होप आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन हम तभी करते हैं जब हमें उस जैसी जो चीज़ हमने ली है उसके जैसी और सेम वैसी ही स्ट्रिप्स का वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए हम इंटीग्रेशन कर देते हैं जिससे हमें सबकी वैल्यू एक साथ मिल जाती है। तो यहाँ पर भी हमने वही किया है, जी तक की वैल्यू का निकाल लिया है, तो उसकी और उसकी डिस्टेंस क्या है फ्री सरफेस से एक्स बार है, इसीलिए यहाँ पर ए एक्स बार हो गया है। सो यहाँ से हमें एफ़ की वैल्यू मिल गई, इट मीन्स कि हमें उस स्ट्रिप का फोर्स मिल चुका है। अब हम ये देखेंगे कि सेंटर ऑफ प्रेशर कहाँ है, यानी कि सेंटर ऑफ प्रेशर कहाँ लोकेटेड है। तो उसके लिए हम स्मॉल स्ट्रिप पर लगने वाला टोटल प्रेशर, ये हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, डी एफ इट्स इक्वल टू रो जी एक्स डी ए था। अब अगर हम फ्री सरफेस के अबाउट डी एफ का मोमेंट लेंगे, यानी कि उस स्मॉल स्ट्रिप पर जो फोर्स है उस फोर्स की और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मोमेंट यही होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। सो यहाँ भी हम वही करेंगे मोमेंट के लिए, क्योंकि स्मॉल स्ट्रिप का ले रहे हैं सो डी एम आ जाएगा, डी एम इट्स इक्वल टू डी एफ इंटू डिस्टेंस कितनी है उसकी फ्री सरफेस से स्मॉल स्ट्रिप की एक्स। तो डी एफ की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और एक्स से इंटू कर देंगे, और फिर उसके बाद ऐसी ही सारी स्ट्रिप का मोमेंट अगर हम देखेंगे तो इंटीग्रेशन करेंगे। ऑब्वियस बात है जब हम एक ही जैसी स्ट्रिप का सबका हमें निकालनी होती है मोमेंट या वैल्यू फोर्स जो भी निकालना होता है उसके लिए हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो यहाँ भी वही करेंगे, डी एम इंटीग्रेशन कर देंगे उसका और डी एफ इंटू एक्स का भी इंटीग्रेशन कर देंगे, जिससे हमें वैल्यू मिल जाएगी डी एम की, एम इट्स इक्वल टू रो जी, यहाँ भी कांस्टेंट ही होगा सो रो जी और इंटीग्रेशन में हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी ए। अब हम जानते हैं एक्स स्क्वायर डी ए आई ओ ओ के बराबर होता है, ये हमने पढ़ा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले पोर्शन में, इसे हमने मॉस में समझा था। तो अगर आपने मॉस की वीडियोस नहीं देखी है तो आप उसे देख सकते हैं, वहाँ पर हमने बहुत ही क्लियरली समझाया गया है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। ये आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, या फिर अगर आप सर्च करेंगे एजुकेशन कैंडल मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ही हम कहते हैं आई इट्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी ए अगर हम एरिया का ले रहे हैं, और डी एम अगर हम मास का ले रहे हैं। सो यहाँ हमने वही किया है, एक्स स्क्वायर डी ए को हमने आई ओ ओ लिख दिया है जो क्या है सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अब हम जितनी भी स्ट्रिप्स हैं उन पर मोमेंट और फोर्स निकाल चुके हैं। अब अगर हम रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे फ्री सरफेस के अबाउट तो वो क्या होगा, एम इट्स इक्वल टू एफ इंटू एक्स स्टार। अब आप ये सोचेंगे कि अब इसमें रिजल्टेंट निकालने की क्या ज़रूरत थी, मोमेंट ऑफ फोर्स तो ऑलरेडी मिल ही चुका था। तो रिजल्टेंट हमने इस अनुसार निकाला क्योंकि हम जानते हैं आघूर्णों के सिद्धांत से। आघूर्णों का सिद्धांत हमें क्या बताता है कि किसी अक्ष के परितः किसी पिंड पर लगे बलों के आघूर्णों का बीजगणित योग उनके परिणामी के आघूर्ण के बराबर होता है। अब
ज़्यादा हिंदी हो गई, मुझे पता है बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, तो मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से समझा देती हूँ। ये क्या कहना चाह रहा है कि यदि हम किसी एक्सिस के अबाउट मूवमेंट लेते हैं, उस एक्सिस के अमाउंट अगर हम किसी भी बॉडी का मूवमेंट ले रहे हैं, तो उस बॉडी पर जितने भी फोर्सेस लग रहे होंगे उनका सम उन सारे फोर्सेस के रिजल्टेंट के बराबर होगा। यानी कि हमने जितनी भी स्ट्रिप्स ली थी उन पे जितना भी फोर्स था उन सारे फोर्स का सम उन सारी स्ट्रिप्स का जो रिजल्टेंट है उसके फोर्स के इक्वल होगा, यानी कि उसके मूवमेंट के इक्वल होगा। तो हम सारी स्ट्रिप्स का मूवमेंट निकाल चुके हैं, अब हम रिजल्टेंट मूवमेंट की बात करेंगे। तो उसमें हम डी एम नहीं लेंगे, डायरेक्ट एम लेंगे, क्योंकि हम रिजल्टेंट की बात कर रहे हैं। सो एम इट्स इक्वल टू एफ इंटू एक्स स्टार। यहाँ एक्स स्टार इसीलिए लिया गया है क्योंकि हम टोटल की बात कर रहे हैं, यानी कि जी तक की हमें सारी स्ट्रिप्स का मूवमेंट मिल चुका है, अब हम रिजल्टेंट की बात कर रहे हैं। तो वो हमें कहाँ से मिलेगा? सी, यानी कि सेंटर ऑफ प्रेशर से। सो सेंटर ऑफ प्रेशर की डिस्टेंस कितनी है फ्री सरफेस से? एक्स स्टार है। सो हमने यहाँ यही किया है, एम इट्स इक्वल टू एफ इंटू एक्स स्टार, और फिर यहाँ एम और एफ की वैल्यू पुट कर दी। एम की वैल्यू थी रो जी आई और एफ की वैल्यू थी रो जी ए एक्स बार। सो हमने दोनों की वैल्यू पुट कर दी, जिससे लेफ्ट और राइट साइड दोनों में रोजी आ गया, तो रोजी कैंसिल आउट हो जाएगा और आई इट्स इक्वल टू ए एक्स बार इंटू एक्स स्टार। क्योंकि हमें सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना है तो हम एक्स स्टार को ही एक साइड रखेंगे और आई अपॉन ए एक्स बार कर देंगे। अब अगर हमें यहाँ पर भी हमें सेंटर ऑफ प्रेशर मिल चुका है, लेकिन अगर हमें और ज़्यादा चीज़ों को इजी बनाना है, यानी कि जो हमारे न्यूमेरिकल आएंगे उसमें डायरेक्ट हमें आई की वैल्यू नहीं दी होगी, तो उसको निकालने के लिए हम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस यूज़ करेंगे। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस होती है आई ओ ओ इट्स इक्वल टू आई जी प्लस ए एक्स बार स्क्वायर। ये थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस भी आपको मॉस में पढ़ाई थी, अगर आपने वो नहीं पढ़ी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में, मॉस की प्लेलिस्ट में जाकर इसे पढ़ सकते हैं। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वाले पोर्शन में आपको ये मिल जाएगा। तो यहाँ हम आई की वैल्यू पुट कर देंगे आई जी प्लस ए एक्स बार स्क्वायर अपॉन में ए एक्स बार ऑलरेडी था इट्स इक्वल टू एक्स स्टार। सो कैंसिल आउट करके हमें एक्स स्टार की वैल्यू मिल जाएगी, जो क्या होगी आई जी अपॉन ए एक्स बार प्लस एक्स बार इट्स इक्वल टू एक्स स्टार। यही होता है सेंटर ऑफ प्रेशर फॉर वर्टिकल केसेज, यानी कि जब हमारा प्लेन वर्टिकल हो तो उसमें सेंटर ऑफ प्रेशर ऐसे निकलता है। सो आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छे से समझ आई होगी, और ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी है, तो अच्छा होगा कि आप इसे और ज़्यादा ध्यान लगा कर पढ़ें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।